हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू शून्य। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप शून्य वेब एप्लीकेशन को ओटीपी और टीओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं, हम पहले से ही शून्य वेब के लॉगिन पेज पर हैं। यहां हम पहले ओटीपी के थ्रू लॉगिन करेंगे, जिसके लिए हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगा, जहां हम अपना यूजर आईडी और पैन नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी रिसीव हो गया है। अब हम शून्य वेब को लॉगिन करेंगे। यहां हम अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे आप शून्य वेब को टीओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको शून्य एप्लीकेशन को पहले ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना होगा, उसके बाद ही आप टीओटीपी जनरेट करके टीओटीपी के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं। तो यहां हम पहले से ही ओटीपी के थ्रू लॉगिन हैं। अब हम टीओटीपी के थ्रू शून्य वेब को लॉगिन करेंगे, जिसके लिए हमें पहले हमारे मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम यहां प्रोफाइल में जाएंगे, उसके बाद सिक्योरिटी में और फिर टीओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहां आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने टीओटीपी पर क्लिक किया है, एक बार कोड आ गया है जिसे हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू स्कैन करेंगे और ऐड करेंगे। आप देखेंगे शून्य और यूजर आईडी से एक इंस्टेंस गूगल ऑथेंटिकेटर में ऐड हो गया है। तो यहां हम शून्य वेब को पहले लॉग आउट करेंगे, उसके बाद हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, और जो कि अब हम टीओटीपी के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, तो यहां हम गूगल ऑथेंटिकेटर पर जो टीओटीपी दिखाई दे रहा है वह डालेंगे। इस टीओटीपी का टाइम पीरियड 30 सेकंड तक वैलिड रहता है। और यहां अब हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। तो यह था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि कैसे आप शून्य वेब एप्लीकेशन को ओटीपी और टीओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। प्लीज कॉन्टेक्ट अवर लाइव चैट एजेंट्स ऑन अवर वेबसाइट और रेज अ टिकट इन प्रिज्म एंड वन ऑफ अवर एग्जीक्यूटिव शैल बी ग्लैड टू असिस्ट।